बोला नहीं, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमने जिस काम के लिए उठाया है वो हमने कर दिया है, आप जाके इस बंदे को वहां से उठा लो। जब वहां गए तो उस बंदे के इतने इतने टुकड़े हुए हुए थे। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। Alright, friends, assalamualaikum. Welcome to yet another The Bhoot Show. The Bhoot Show के एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ और हमारे साथ आज मौजूद हैं जाऊ भाई। जाऊ भाई कहते हैं कि स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मेरा भी इंटरेस्ट हो। तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसी स्टोरी सुनाइए। हाँ ऐसी है। हाँ यार ऐसी हो। आवाज सुनी तूने? Yes. हाँ डॉक्टर। हाँ डॉक्टर ऐसी हो सुनाया। यार इंसान की डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती है, और वो ख्वाहिशात पैदा करती है इंसान की नफ्स। ठीक है, फरिश्तों में अल्लाह को इबादत की जरूरत इंसानों के नहीं है। अल्लाह को इंसान के इबादत की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरिश्ते ही इतने हैं कि वो उनका काम ही है ये इबादत में रहना। ठीक है, अल्लाह ने इंसान बनाया शैतान के उसमें आके, के अल्लाह ने इंसान बना दिया, शैतान ने बोला कि जी मैं सजदा नहीं करूंगा, अल्लाह ने बोला कि तू नहीं करेगा तो मेरे पास ये मैंने इंसान बनाया, ये मुझे सजदा करते रहेंगे और तू शैतान मर्दूद है, तू चला जाओ। उसने बोला जब तक दुनिया है तब तक मैं आपके बंदों को, इंसानों को बरगलाता रहूंगा। ओके, अल्लाह ने बोला ठीक है। अल्लाह ने उसके साथ इंसान में एक नफ्स डाल दी। फरिश्ता ने पूछा कि नफ्स क्या चीज़ है? तो अल्लाह ने कहा कि ये वो नफ्स वो चीज़ है कि आप फरिश्तों को भी, तुम लोगों को भी बरगला सकती है। तो उसमें से दो फरिश्ते थे, हारूत और मारूत ना, उन्होंने कहा कि आप हमें नफ्स अता करें और हम फिर भी आपकी इबादत करेंगे। तो आज तक वो फरिश्ते वो इंसानों की शक्ल में ज़मीन पर आए, अल्लाह ने उनको उतारा, उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने शराब भी पिया, उन्होंने जना भी किया, उन्होंने कत्ल भी किया, और अल्लाह ने उनको सजा के तौर पे उल्टा जंजीरों में बांध के अभी भी इसी दुनिया में वो उल्टे बंदे में जब तक कयामत नहीं आती, और ये सजा है उनकी, हारूत मारूत की। अब मैं सुनाता हूँ नफ्स। हमें ना हम तो बहुत शरीफ है। ठीक है, आउट दिन में इंजेक्शन लगवाने गया, नफ्स नहीं मिल रही थी यार इधर। अभी वो नस होती है, नब्ज होती है। अच्छा, नब्ज और नफ्स, नफ्स अलग चीज है, वो तेरे में है नहीं, तो बुजुर्ग आदमी तेरे में नहीं। अच्छा, अच्छा। नहीं। तो इंसान को ना अलग अलग चीजों की हवस होती है। किसी को पैसों की हवस होती है, किसी को माल जमा करने की, गाड़ियों की हवस होती है, एक होती है जिस्मानी हवस। थोड़ा पीछे चला गया, मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, फिर एक होती है जिस्मानी हवस और एक होती है उसके साथ जुड़ी हुई मजबूरी। ओके, ठीक है। कुछ लोग ये काम शौक में करते हैं, कुछ लोग मजबूरी के तहत करते हैं। यहाँ पे जो बात चल रही है वो चल रही है प्रोस्टिट्यूशन की। कुछ बड़े शौक, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनमें तो वो होता है ना खुला खाता, खर्चा पानी नहीं होता उसमें, लेकिन जो मजबूर होती हैं बेचारियाँ उनको इन कारोबार में लाया जाता है, कोई झांसे दे के कुछ करके ना। आशी ये वाकया सुनना, बड़ा दिल दहलाने वाला लाहौर का वाकया सुना रहा हूँ। एक बंदा था, नाम नहीं लूँगा, मर चुका है। वो क्या करता था, शादियाँ करता था, और फिर वो बेसिकली मूवी का एक डायरेक्टर है, फिल्म का डायरेक्टर है, इतना नाम वाला नहीं है, लेकिन वो मूवीज में लोगों को कास्ट करवाता था। उसको जानते थे लोग डॉक्टर के नाम से, जबकि वो डॉक्टर नहीं था। ठीक है, मैं जावेद हूँ भाई, मुझे क्यों देख रहे हो बार बार? ये लाहौर का वाकया बता रहा हूँ। हुआ ये कि जी वो शादियां करता था, शादियां करने के बाद वो दुबई, अबू धाबी, इधर उन लड़कियों को
बेच देता था। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ पे वो दूसरे कामों में लग जाती थी। वो होती थी उनकी मजबूरी, मीडिया में आना चाहती थी और इस तरह से वो ब्लैकमेल होती थी। उस बंदे का 2 हफ्ते पहले अगवा हुआ। ठीक है, अगवा होने के बाद 2 हफ्ते नहीं बल्कि 2 महीना डेढ़ पहले अगवा हुआ। उसके बाद रैनसम के लिए कॉल आई उसके घर वालों को, मतलब जो उनके करीबी थे भाई भाई। फिर उन्होंने रैनसम के लिए भी मना कर दिया, बोला नहीं हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमने जिस काम के लिए उठाया है वो हमने कर दिया है, आप जाके इस बंदे को वहां से उठा लो। जब वहां गए तो उस बंदे के इतने इतने टुकड़े हुए हुए थे, किसी गैरतमंद भाई ने या किसी ने मार दिया होगा उसको टुकड़े टुकड़े करके। ये अभी रिसेंट पंजाब का लाहौर का वाकया बता रहा हूँ। ये वाकया इसलिए बताया कि जो मजबूरी होती है ना, जो प्रोस्टिट्यूशन में लाते हैं, वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ ऐसे ही नहीं आ जाती, हालात क्रिएट करते हैं उनको। चलते फिरते ऐसे ही मुझसे मेरा एक दोस्त बैठा हुआ जैसे तुम लोग बैठे हो, कह लगा यार काशिफ भाई वो मैंने जो है ना, मुझसे एक बड़ा गुनाह हुआ है और उसका अजाला मैं अभी तक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ बता, अल्लाह तो गफूर रहीम है माफ़ कर देता है। बोला नहीं मुझसे बहुत बड़ा गुनाह ये हुआ है कि मैंने नफ्स पर काबू नहीं रखा और मैं एक बंदी ले आया, ठीक है, और बदकारी के हिसाब से बंदी ले, बंदी राजी नहीं हो रही थी, जबकि मैंने उसके वो जो होते हैं जो लाते हैं जो बीच के मैनेजर्स होते हैं, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो वो मैनेजर ने बोला था कि नई बंदी है ले जाओ और इतने इतने पैसे लगेंगे। तो मैं उसको ले आया, पैसे भी मैंने उस मैनेजर को एडवांस दे दिए। बोला उस बंदी ने मेरे तरले किए, मिन्नते की कि मुझे आज तक टच नहीं किया किसी ने, तुम मेहरबानी करके मेरे साथ ये काम नहीं करो, मुझे ये मेरा मामू जो मैनेजर था मुझे मेरा मामू ले आया है नौकरी के लिए और यहाँ पर आके मुझसे ये काम करवाना चाह रहा है और मुझे धमकी दी है अगर नहीं करोगी तो तुम्हारी पीछे माँ बीमार पड़ी हुई है, तुम्हारा बाप है, मार देंगे उसको। अच्छा। तो मैं मजबूरी में फिर तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे भेजा है। तो इसने बोला भाई मैंने तो पैसे भरे, मैंने जिस काम के लिए बोला मैं तो वो करूँगा। बहरहाल इसने उसके साथ वो गलत काम कर लिया, वो लड़की रोती पीटती रही, इसने उसको कोई भी नशे में था कोई एहसास नहीं हुआ, लड़की चली गई। ठीक है, वो मैनेजर आया और टाइम पे और उसको लेके वापस चला गया। अब कहने लगा काशिफ मैं, वो तो चली गई मेरे नशे उतरे, अब सुबह में जब उठा नहा वहा के मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा तो मुझे वो बंदी मेरे सामने टेबल पर बैठी नजर आई। बोला मैं बोलूँ कि मैं नशे में हूँ और मुझे नशा तो था नहीं, नशा तो ख़त्म हो चुका था, अब वो बैठी मुझे सामने नज़र आई। मैंने अपनी आंखें वाँखें मसली, मुँह मुँह धोया, उठा वहाँ से दूसरी जगह जाके बैठा, नाश्ता वाश्ता किया। अब मैं जहाँ जाऊँ मुझे उस लड़की की आहट सुनाई दे। अच्छा। उस घर में चलने बोला, मैंने कहा यार मुझसे कुछ हो गया गलत काम ना और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ये वो। बहरहाल बोला, मैंने उस बात को रफा दफा कर लिया। दूसरे दिन मैं ड्यूटी पर चला गया। अब जब ड्यूटी से वापस आ रहा था तो मुझे एक जगह पे वो हाथ दिया किसी ने, मैंने अब नकाब में थी लड़की, हाथ दिया तो मैं वैसे ही इस तरह का तुम्हें पता है शौकीन हूँ, मैंने गाड़ी रोक दी, वो लड़की आके बैठी और उसने नकाब हटाया तो ये वही लड़की जिसके साथ मैंने उस दिन ये काम किया था। तो मैंने उसको बोला भाई तू उस दिन तो बड़ी पारसा बन रही थी, रो रही थी, मर रही थी, आज तूने गाड़ी को खुद हाथ दिया है और जो है वो कह रही हो कि मुझे लेके चलो। तो कहने लगी हाँ तो लेके चलो, जब बोल रही हो तो लेके चलो। कहने लगा अच्छा ठीक है। बोला मैं उसको गाड़ी में लेके बातें बातें करके कहाँ की हो उस दिन स्टोरी तुमने सुनाई, सच्ची थी झूठी थी जो भी है। बोला मैं अपने फ्लैट के पास पहुँचा, मैंने दरवाज़ा खोल के मैंने उतरा, वो भी उतरने लगी थी। जब वो मैं उतर के उधर से आया तो कोई नहीं, अरे लड़की थी नहीं। बोला अब मेरी फट गई कि सीन कुछ और है मेरे साथ।
बोला मैं भागा कमरे में अपने घर फ्लैट पे, नहाया, वजू वजू किया, मैंने नमाज वमाज पढ़ी, तिलावत की, अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरी जान छुड़वाओ, ये पता नहीं कौन चीज़ है। तो पीछे से मुझे उसी लड़की के चलने की आवाज़ आई और उसने आके मेरे कंधे पे हाथ रखे और उसके नाखून इतने बड़े थे कि वो मेरे यहाँ पर ही धंस गए। उसने शर्ट तई तो उसमें बाकायदा निशान दे, बोला ये देख मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये निशान दे। अच्छा के लगा। फिर हुआ ये क्या, मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने मौलवी साहब को फ़ोन किया कि मौलवी साहब यार मेरे साथ ये मसला हो रहा है। मौलवी साहब ने बोला तुम्हारे साथ कोई वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, अगर फिर दोबारा कोई ऐसा मामला हो तो मेरे पास आना। बोला फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद ही अपना हिसार बांध लेता हूँ और ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, वो मैंने करना शुरू किया। उसे हुआ ये कि औरत मुझे नज़र आती थी फ्लैट में चलते हुए, मेरे दरवाजे खिड़कियाँ बजती थी, नुकसान कर रही थी, चीज़ें तोड़ रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके मैनेजर को फ़ोन करूँ कि भाई कौन सी मुसीबत मेरे गले डाल दी तूने। बोला मैंने मैनेजर को फ़ोन किया कि भाई ये तूने कौन सा काला मुंह किया है, बता मुझे, मेरे साथ तो ये अजाब हो गया है। कहने लगा यार मसला ये है, वो लड़की जब तुम्हारे पास से आई, मैं लेकर आया, उसने आते ही घर पे खुदकुशी कर ली और वो उसी रात मर गई। बोला यार अब मेरा क्या होगा। मैंने बोला क्यों क्या हुआ। बोला उसने मुझे बड़ी मिन्नतें की, मेरे साथ ये काम नहीं करो, मुझे किसी ने टच नहीं किया और तुमने जो है वो ये काम मेरे साथ किया है। तो कहने लगा भाई अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद मुसीबत में हूँ, मेरी 4-5 दिन से ऐसी हालत है कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता, मेरा धंधा चौपट हो गया। बोला अच्छा, बोला तुम किसी को दिखाओ, किसी आमिल वामिल को। बोला मैंने मौलवी साहब से बात की, बोला अब तुम जानो तुम्हारा काम चले, मेरा तो काम उतर गया है। बहरहाल उसने फिर एक आमिल से मशवरा किया, आमिल ने बोला मैं तुम्हें तावीज़ बना के देता हूँ, वो तावीज़ तुम पहन के रखना नहीं है। आमिल ने उसको तावीज़ दिया, इसने तावीज़ बांध दिया। अब ये रात को सोए, रोज़ रात को, और इससे बुरे सपने आए डरावने, और ये घर से भागे फ्लैट से। कहते काशिम मैं घर से जब भागता था तो मुझे होश नहीं होता था, मैंने कपड़े पहने हुए भी हैं या नहीं पहने, मेरी 2-3 दिन ऐसी हालत थी और तावीज़ उतर जाता था मेरा। बोला फिर मैंने दोबारा आमिल से बात की, आमिल ने फिर मुझे एक और तावीज़ बना के दिया, पानी दिया, ये पियो, घर पे आके पढ़ाई की। बोला काशिम सब हो गया, फिर अब जब सब हो गया ना, अब मैं तेरे पास आया हूँ तो मुझे बता कि कुछ हो सकता है इस मामले में। मैंने कहा मैं तुझे क्या बताऊँ, अब तूने हरकत ऐसी की है तो सीधा सीधा एक काम कर, उसके गांव जा, ठीक है, उसके माँ बाप से माफ़ी मांग, जितना तू उनकी मदद कर सकता है तो उनकी मदद कर, हो सकता है उनके घर का एक ही सहारा हो और कोई ना हो, और हो सकता है कि तुम्हें वहाँ से सुकून मिल जाए। जब कहीं से नहीं मिला तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं ज़िंदगी में। उसने ऐसा ही किया, चला गया। दूसरे दिन उसके एड्रेस लेके मामू से उसके घर, उसके माँ बाप बहुत ही गरीब झुग्गी वाले और इस तरह से, जाके उनको सारी बात बताई A to Z। उसकी माँ ने मामू को गालियाँ देना शुरू की और बोला अब कुछ नहीं हो सकता, पैसे वैसे दिए। पैसे वैसे देने के बाद कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे ये गलती हुई है, और आपकी बेटी को भी बोले कि मुझे माफ़ कर दें। बहरहाल वो माँ बाप थे, जाने वाली चीज़ चली गई, इसका कसूर तो था नहीं। ये वापस आ गया, वापस आया तो उस रात इसको बड़ी सुकून की नींद आई, बहुत सुकून की नींद आई, सो गया कि कोई मसला नहीं हुआ। दूसरे दिन इसने देखा कि इसके कमरे में पंखे पे वही लड़की लटकी हुई है। ये डर के उठता है और माफियां तलाफियां उसके पाँव में जाके चिपक जाता है, उसके पैरों में ना, कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर, माफिया माफिया मांगता है। कहता है काशी भाई वो लड़की उसी वक्त गायब हुई और उसके बाद नहीं। लड़की मतलब खुद
पैर लेकर आई थी कि मुझसे पैर पड़वा कर माफ़ी अभी मांग लेगा तो फिर किस्सा माफ हो जाएगा। कहानी में फंसा नहीं यार, इसलिए कहता हूँ जाओ भाई सुधर जाओ।, जाओ यार, मैं सुधरा हूँ यार, सुधरे हुए। वेल, आपको कैसी लगी आज की स्टोरी? और जो सुधरे हुए नहीं है वो सुधर जाए, सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। हवाई तरफ से सी आवा वाला أستغفر الله إن الله غفور رحيم। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।